तो इतनी बढ़िया पोच निकली है। तो क्या हो गया? सही है तू, मैंने लास्ट दिन तक घबरा मत, अपन है साथ, एक साथ है अपन सारे। क्या हुआ? अपन सारे एक साथ है, प्रिंस भी है, मिलन भी है, मैं भी हूं, सब एक साथ है, वरुण भी हमारे साथ है। बाहर बाहर बहुत अच्छा लड़ा, तू तीनों बार बाहर है, बाहर गया ना तू, इसलिए आ रहा है कि मुझे पता है यहां पे। नहीं सुन, तू हर बार ही बाहर गया है, और तू बाहर इसलिए हुआ है क्योंकि तेरे जो फ्रेंड्स को बचाने के लिए इसके स्टार गए। अगर वो स्टार तुमने नहीं, इसको अगर वो अपूर्वा को पहला जो था वो स्टार बच जाता, और जो दूसरी बार भी उसको किसको बचा, इसको मैंने बचाया। अगर तेरे को नहीं बचा तो उसी का इशारा है, तेरा परफॉर्मेंस अच्छा था लास्ट डे तक है। ये स्टार आज उनके काम आए हैं, ये स्टार पहले तुम्हारे काम आए थे। हां डोंट वरी यार, क्या हो गया? थैंक यू सो मच, सो सॉरी, सो सॉरी, सॉरी क्यों यार? मैं हमेशा बोलता हूं हर टास्क का दिन होता है और हर इंसान का दिन होता है। सर आप हार रहे हो मेरे को बिल्कुल। अरे क्या हो गया फिर? क्या हो गया? वो सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे बहुत उम्मीद के साथ और बहुत उमंग के साथ मैं पूरी जान लगा के एक रेस में भागा, और एन मौके पे जब फिनिश ट्रैक मेरे बिल्कुल पास में था उस टाइम पे मैं गिर गया, और कोई और मेरे साथ, वो जो अपॉर्चुनिटी थी, वो जो विनिंग ट्रॉफी थी, वो मेरे आगे ले गया वो। मैंने उसको बोला कि डजेंट मैटर, तुमने पोर्शी फाइट करी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा फॉल्ट है, काश तुम नहीं जीत पाए, क्योंकि मैं जर्नी में नहीं था, जो गेम मैं बदलता हूँ वो मैं बदल नहीं पाया। बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये फीलिंग जो मैंने इस साल ली है ना, ये बहुत बुरी है, और ये जो अगले साल निकलेगी ना, ये बहुत बुरी निकलेगी। मैं अगले साल प्रॉमिस करता हूँ मैं फिनाले में होऊंगा, और जो भी मेरे सामने आएगा ना, मैं उसकी Congratulations, Jayant, Michael, and Hamid. आप लोग हो रोडीज रेवोल्यूशन के फिनाले में, वेल डन, वेल डिजर्व्ड। हम तीनों लोग कुछ डर्टी पॉलिटिक्स नहीं किए, बस हमारे परफॉर्मेंस के वजह से यहाँ तक आए हैं। सो आई वॉज ऑनर्ड टू बी कम्पीटिंग इन द फाइनल्स विद दीज टू गाइज। टुडे हिस्ट्री हैज बीन मेड, निखिल। आज आपके एक नहीं दो टीम मेंबर्स फिनाले में पहुंच गए, हाउ डज इट फील? इट फील्स अमेजिंग रन, और मैं ये कहना चाहूंगा कि माइकल के आगे जाने की वजह मेरी पूरी टीम थी, क्योंकि स्टार्स उन्होंने कमाए थे, उन्होंने मुझे 4 स्टार्स दिलवाए थे, जिसकी वजह से आज माइकल का रास्ता थोड़ा और आसान हो गया। केविन, आरुषि, अक्षिता भी थी हमारे साथ, तरन, प्रखर, जो हमने उन्होंने हमको सपोर्ट किया, जिस वजह से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम बिकॉज दे बीन सपोर्टिव ऑल द वे, और उसकी वजह से आज ये दोनों यहाँ पे खड़े। फिनाले में देयर वाज माइकल एंड हामिद टुगेदर, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए थी ही नहीं कि टीम निखिल को रिप्रेजेंट करने वाले टीम लॉयल के दो लोग फिनाले में थे। मेरे और केविन के बाहर निकलने के बाद हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम नहीं तो कम से कम हमारे दोस्त निखिल सर को फिनाले तक पहुंचा सके, और कैसे भी करके उनको ये शो जिताएं। The only other leader in the final is Varun with Jayant. Jayant, आपके पास 3 stars थे? Yes, sir. और एक विपिन लेके आया। एक विपिन ने दिया? विपिन, आपने अपना स्टार ढूंढ के जयंत को क्यों दिया? सर मैंने कहा था कि मैं रोडीज की ट्रॉफी लेने नहीं आया, मैं सिर्फ वो टैग बदलने आया हूँ जो लोग कहते हैं लैंड करा दे भाई, मतलब इस तरह से लोग स्लैंग्स भी यूज करते हैं। मैंने तब भी PI में बोला था कि मैं इस टैग को चेंज करने आया हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है इतनी बड़ी जर्नी में शायद मैंने कहीं ना कहीं उस टैग में थोड़ा बदलाव लाया होगा। जरूर, आई एम श्योर, जब लोग देखेंगे तो वो आपको आपकी रोडी जर्नी से ज्यादा याद करेंगे। नॉट एनी फ्रॉम नाउ ऑन टू पैराग्लाइडिंग गाय नहीं है, तू रोडी है। इंसान या तो लोग कमाता है, ये ट्रॉफी नहीं मिली कोई बात नहीं, लोग मिल गए बहुत बड़ी बात, प्राइड मिल गई बहुत बड़ी बात, इज्जत मिल गई बहुत बड़ी बात, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए इंसान को। वरुण, आप रफ्तार की जगह आए, और उसके बाद जब रीस्टार्ट हुआ रफ्तार कुडंट कम बैक, सो ये टीम आपकी बन गई थी, एंड यू आर इन द फिनाले। आप तो अपने सीजन में भी फिनाले में भी नहीं गए थे, राइट? हाउ डज इट फील? इट फील्स अमेजिंग, एंड दिस इज द बेस्ट टीम आई कुड आस्क फॉर। इन लोगों ने आपस में इतना भाईचारा दिखाया, दे बिलीव्ड इन मी, आई बिलीव्ड इन देम, एंड डिस्पाइट ऑल ऑड्स दे स्टैंडिंग आउट हियर, दैट फीलिंग वाज अमेजिंग, क्योंकि ये मेरा पहला साल है एज अ लीडर, एंड आई एम द यंगेस्ट लीडर ऑन रोडीज एवर, तो दिस वॉज अ फीलिंग, इट वॉज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट आई हैव कम अ लॉन्ग वे विद माई टीम, एंड ये सर जयंत की विक्ट्री नहीं थी, मेरी पूरी टीम साथ में फिनाले में थी। आप पिछली बारी सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची थी, दिस टाइम यू रीच द सेमीफाइनल, डिफरेंट एक्सपीरियंस,
पिछली बार से अच्छा? अच्छा तो कह सकते हैं रन, बट इफ यू आर नॉट इन द फाइनल्स और अगर आप जीतते नहीं, इट डजंट मीन एनीथिंग मेरे लिए. अगर आप जीत के आगे निकलेंगे या इट्स अ थिंग, अदरवाइज ये नहीं कि सेमीफाइनल्स फाइनल्स, ये अपने आप को दिलासा मैं दे सकती हूँ, बट आई मीन नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, वी आउट. व्हाट्स द फिनाले विदाउट प्रिंस एंड मी? हां, नॉट इन द फाइनल्स फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिंस. पिछली बारी दो लोगों के साथ, दिस टाइम यू नॉट इन द फाइनल्स, अलग एक्सपीरियंस है, क्या फील हो रहा है? बहुत मिक्स फीलिंग है भाई. मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरा है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था. उसकी वजह भी बहुत बड़ी है. सॉरी गाइस, सॉरी आकाश, मैं तुझे लेके नहीं जा पाया, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तू यहाँ तक आया. और मुझे मुझे बेसिकली भाई, मेरा इस बार माइंड सेट बहुत अलग था कि मुझे अगर मैं स्टार तब बचा लेता और अब रखता तो मैं किसके लिए रखता, वो वजह नहीं होती. पर मेरे को लगता है जब सही टाइम था, एटलीस्ट ये दोनों अपनी जर्नी यहाँ तक तो ला पाए. आपके स्टार से वैसे अपूर्वा हैड अ जर्नी, और ये एंड अगर आप उस टाइम स्टार नहीं देते तो आकाश होता ही नहीं. एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हो. मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं फाइनल्स में ना पहुंचूं, क्योंकि हर साल मेरा फाइनल में पहुंचना, वहां कम्पीट करना, वो मेरे लिए, मेरी फैन फैमिली के लिए, मेरे खुद के लिए, जज्बे के लिए बहुत बड़ी आग है. यू नो, आई ऑलवेज प्ले टू विन, एंड इस बार मैं नहीं था, मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था. मतलब ऑब्वियसली, मतलब मुझे नहीं बताया हाउ टू रिएक्ट. आकाश, अभिमन्यु, विपिन एंड पूनम, यू गाइस, आप लोगों ने पूरी जर्नी खत्म कर दी है. सेमीफाइनल में आके आप हार गए हो, बट यू विल बी हियर टू सी द फिनाले. यू आर नॉट गोइंग होम. थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ रोडीज रेवोल्यूशन. बट आप चारों की जर्नी आपने खत्म की है. आप लोग यहाँ पे फिनाले में इनको देखोगे और यू विल चेयर फॉर योर फेवरेट्स, और वो हो सकता है जयंत या माइकल या हामिद. बेस्ट लक टू द थ्री ऑफ यू. गो बैक, रेस्ट अप. I'm going to see you guys in the finale. Thank you, sir. Good luck, guys. Thank you, sir. Thank you so much. See you guys. Semi-finale task ke baad hum hamare rooms pahunch gaye, and there was a surprise waiting for us. There were some ex roadies sitting there waiting for us. Unke to bhai saap tote ud gaye the, kyunki unko pata tha कि दैट जो उन्होंने मेरे साथ किया था उसका जवाब तो मैं मांगने वाली थी. क्या गेम है? तेरे को लगता है गेम है उस दिन? क्या तेरे को ऐसे लगता है? तेरे को लगता है मैं बहुत खुश हुई उस दिन? इसने मेरे को वोट किया. He was the last person जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. विपिन, बजाय कि वो लोग आए और बाकी लोगों को जो सेलेक्ट हुए हैं आगे फिनाले के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें, या फिर बाकी जो एलिमिनेट हो गया उनसे बात करें, उसके बजाय वो लड़ने लग गए वहाँ पे उस टाइम पे. बदतमीजी से बात करने लगी और मेरे से वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ. सो ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने अपना टेंपर, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मेरा, और मैंने बहुत ज्यादा चीख के, शाउट करके उससे बात करी. अरे उसने दिखा दिया, उसकी औकात दिखा दी उसने. चुप रह तू, छिप गई तू है, ठीक है? मेरे सपना के पीछे, पूनम के पीछे ऐसे जाते हो तुम लड़कियों के पीछे, समझ आ गया? खुद का स्टैंड क्या तेरा? खुद का स्टैंड क्या है तेरा? ओए मेरा स्टैंड, हाथ खड़े करो सबके साथ. स्टैंड क्या तेरा? छोड़ तू, चुप रह तू, चुप रह विपिन, तू चुप रह. भगवान ने मुझे क्या बोला था? सपना के पीछे पूनम ने क्या बोला था? क्या बदतमीजी बोली? क्या बोला था तू? क्या बोला तूने? क्या बोला था? निशा विपिन पे जो बरसी है भाई, निशा उस बंदे के खिलाफ इतना बोली है क्योंकि उस बंदे ने अपने ही टीम के खिलाफ वोट कर दिया था अपने दोस्तों को बचाने के लिए. हम पांच जनों में से वोट था इसके खिलाफ, तो नहीं करती. तूने करा तो मेरे खिलाफ ही. हां तो ऑब्वियसली, और मेरा रीजन भी यही था इसको वोट आउट नहीं करने का, क्योंकि ये मेरा दोस्त है. बात खत्म है ना? यू वर द लास्ट पर्सन. जाया